हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 4:42। आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे था, मतलब कि इन पेपरों के बाद वाली छुट्टियों के बाद मेरा फर्स्ट डे था आज। तो कुछ खास तो करवाया नहीं, कुछ सब्जेक्ट में पहला लेसन करवाया था और कुछ में नहीं करवाया। अभी मैं एडिटिंग ही कर रहा था एक व्लॉग की, और आज मैं 12:30 ही आ गया था। 8 बजे से 12:30 लगा था आज हमारा स्कूल, लेकिन फिर भी मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि एडिटिंग में इतना टाइम लग गया था और मैं स्कूल से आगे थक गया था, तो मैं रेस्ट करने लग गया था कुछ देर। और आज जो व्लॉग एडिट किया उससे पहले मेरे पे वो एक और व्लॉग पड़ा है, वो भी आज अपलोड करना है। और एक बैड न्यूज़ भी है, मैं अभी मेरे फ़ोन की स्टोरेज खाली कर रहा था, बहुत ज़्यादा भर गई थी, तो मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था उसकी फाइल्स उड़ा दी, तो वो व्लॉग ही मतलब बचा ही नहीं है। एडिटिंग का हो रहा है कि आज मैंने इतना ज़्यादा एडिटिंग किया उस व्लॉग पे और वो मेरे से डिलीट हो गया, मतलब कि आज ही जो मैंने व्लॉग एडिट किया है वो अभी जस्ट मेरे से डिलीट हो गया गलती से। मैं बुक्स वगैरह भी कल ले आया था स्कूल की। समर वेकेशन होगी ना, मतलब कि समर हॉलीडेज, वो मेरी इसी 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। और आप सोच रहे होगी मैं ज़्यादातर ये टी शर्ट क्यों डालता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को रिलैक्स फील होता है। और हमारे यहाँ पे मतलब मेरे घर में एयरटेल की बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते, तो मेरे को उधर जाके अपलोड करना पड़ता है, मतलब कि घर से बाहर जाके वीडियो अपलोड करके आनी पड़ती है। एयरटेल वालों से बात भी की थी, रिपोर्ट भी की थी, लेकिन कुछ मतलब ऐसा सेटिस्फाई रिप्लाई नहीं आया उनका। वो बोल रहे थे कि 12 तारीख तक कर देंगे, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। अभी मेरा व्लॉग डिलीट हुआ है ना, वो एडिट होने के बाद मैं देख रहा था, मेरे से जो डिलीट हो गया था वो वाला, तो देख रहा था, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ोन मतलब कि वीडियो बना रहा हूँ जैसे मैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियो हैंग हो रही थी, इसीलिए मैंने मतलब मेमोरी डालने लगा कि हो सकता है कहीं मेमोरी का इशू हो, उस वजह से हैंग हो रहा हो। तो अभी मैं आपको बता रहा था ना छत पे कि एयरटेल की रेंज नहीं आती, तो अभी मैं दोबारा करने वाला हूँ उन्हें कॉल और बोलूँगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करो इसका। और अभी मैं खा रहा हूँ ढोकला। अभी मैंने एयरटेल वालों से बात की, उनका तो मतलब यही है कि हाँ, हमने आपकी कंप्लेन ले ली है, हम ज़रूर इसका मतलब कि सही करेंगे इस प्रॉब्लम को, लेकिन कुछ करते हैं नहीं। और गाइज, अभी मैं देख रहा था मेरा यूट्यूब स्टूडियो, तो उसमें जो मेरी लास्ट वीडियो क्लास 6 का रिजल्ट आया था मेरी, उसकी रिएक्शन वीडियो बनाई थी मैंने, वो मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है बाकी वीडियो के मुकाबले, वो वीडियो मतलब कि अच्छी परफॉर्म कर रही है। और वीडियो पे एवरेज व्यूज आते हैं कि 30-35, उसके बाद में यूट्यूब पुश ही नहीं करता, पता नहीं क्या दिक्कत है। और इस वीडियो पे मतलब कि रिजल्ट वाली वीडियो पे यूट्यूब मेहरबान हुआ और उसे पुश की, वो 70 उस पे 75 व्यूज़ आए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार जाके और देख लो उसे, मतलब कि 75 व्यूज़ पे वो स्टॉप ना हो जाए इसलिए, क्योंकि अगर 75 व्यूज़ पे वो एक बार रुकी तो फिर नहीं मतलब हो सकता, मेरे को तो यही लगता है। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो का, आई बटन पर भी दे दूँगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूँगा, तीनों जगह दे दूँगा। प्लीज़ एक बार जाके देख लेना अगर आपने देख लिया फिर भी, और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर देना। अगर गाइस व्लॉग स्टार्ट ना करे तो नहीं बनता, मतलब कि ऐसा लगता है कि क्या ही व्लॉग बनाऊंगा, अगर व्लॉग स्टार्ट कर दे तो फिर कुछ ना कुछ बन ही जाता है। गाइस मेरी 17 को छुट्टियां होगी और मैं 20, हमारे रिलेटिव के प्रोग्राम है तो मेरे को 24 तक यहीं पे रहना होगा। 24 के शाम को या फिर 25 को मैं जाऊँगा मेरे नाना जी के, छुट्टियाँ होती मतलब मैं नाना जी के जाता हूँ हमेशा। चलते टायर में हवा डलवा लाते हैं। अभी मैं हवा डलवाने आया था और मेरे को मेरे स्कूल का दोस्त मिला है एकम, अभी एकम चल रहा है मेरे साथ मेरा डॉग देखने। अभी हमने साइकिल एक्सचेंज कर लिया है, एकम मेरे वाली चला रहा है और मैं एकम वाली, इसको चला के और फिर वो गियर को अप कर देना। हाँ अभी ये छोटा गियर लग गया है, पहले पे तीसरा लगाएगा जो भी लगाया था ना, पहले पे बहुत ज्यादा स्मूथ चलती है ये, जो ये नॉर्मल साइकिल चलाता वो साइकिल चलाएगा ना पहले गियर पे, उसको अलग सी लगेगी वो साइकिल। भी लोगों के गियर खराब हो गए लेकिन मेरे अभी तक सही चल रहे हैं। ये रहा, हाँ हाँ उधर से जाते हैं कलोनी पार्क। ये रहा डब्बू ने अपना काम कर दिया, क्या इसका नाम डब्बू है, पकड़ेगा क्या? नहीं खाएगा भाई, नहीं खाएगा, अरे नहीं खाता, अरे अरे भाई नहीं खाएगा, पकड़ पकड़ ले ले पकड़ ले, अरे कुछ नहीं कहता भाई, ये कुछ नहीं कह रहा ना, अभी हम इसको नहलाने वाले हैं। तो गाइस अभी एक कम बोल रहा है कि तेरी स्कूल वाली वैन कब और कहाँ आती है, तो मैं अभी जा रहा हूँ उसको दिखाने कहाँ पे आती है, और शायद तक आप लोगों को भी पहली बार ही दिखा रहा मैं। तो गाइस ये पूछ रहा है मेरे पापा का चैम्बर कहाँ पे है, वो भी इसको दिखा के लाता हूँ। चल भाई मैं करता हूँ, जब वैन लेट हो जाती है तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ कभी कभी। पुराने वाली कोर्ट यही तो है, नहीं तो वो बन रही, और इधर वाली साइड भी एक वो तहसील है, ये वाली कोर्ट नहीं बन रही है, देख यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरा। सब मोड़ लूँ,
देखना नहीं है क्या? चलो ओके बाय। जा रहा है? हाँ जा। अच्छा साइकिल एक्सचेंज कर रहा है क्या? उधर बैठता, आज पूरी नॉलेज लेके जाएगा ये। ओए ओए भाई टक्कर मत कर यार। ओ भाई चल के ऑनरी पहले गियर पे करनी पड़ेगी क्या? ओए 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 भाई रुकेगी रुकेगी रुकेगी, निकाल ली होगी बहुत ही पतले से रास्ते से, यहाँ पे तो थोड़ा ब्रेक मार के चलना होगा। अरे भाई 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 भाई, चलो भाई मेरी तो निकल गई मिशन पास रिस्पेक्टेड प्लस, एकम की भी निकल गई साइकिल। Or you wasting time declining all your face some calls cuz you're not my vibe but I just let me go. ठीक है भाई एक कम, बाय बाय मिलते हैं। अभी मैं खेलने आया हूं गली में क्रिकेट। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।